स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो अपने नाम से ही क्लियर होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइवर्ड। ट्राइवर्ड का मतलब होता है तीन, गौनों का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। जनरली हम कोई भी थ्री साइडेड फिगर को जिसमें मेजर करते हैं या उसके रेशियोज के बारे में डिस्कशन करते हैं, साइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम सबको ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, हम स्टार्टिंग से इसमें जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अब देखो इसके बारे में हर बच्चा जानता है, राइट एंगल का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का हो। मैंने कोई भी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं अब एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊंगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब देखिए ए बी सी, मैंने ये ट्राइंगल बनाया आपको, तो हर बच्चा स्टार्टिंग से देखता आ रहा है बचपन से ही कि इस तरह की जहाँ भी फॉर्म बन रही होती है वो एंगल 90 डिग्री का होता है, और इस तरह के ट्राइंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, इस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड होती है। तो देखो बेटा, जो हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है उसके जस्ट फ्रंट पे, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, अब इसमें से सबसे बड़ी बात होती है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। बची हुई दो साइड हमारी डिसाइड होंगी जो एंगल हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लो कि मैंने एंगल ए को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो एंगल ए को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके फ्रंट पर और इसके एडजेसेंट कितनी साइड बनी हमारी, दो। एक तो साइड आई मेरी फ्रंट पर और एक आई एडजेसेंट पर, तो ये वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। मतलब किसी भी एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो एडजेसेंट साइड होती है, जैसे ये रहा एंगल, इसके एडजेसेंट मतलब इसके साइड वाली, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और हाइपोटेनियस बिल्कुल फिक्स रहता है, ये 90 के सामने की होती है। अब की बार हमने एंगल ए लिया था, अब मैं दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं। पी क्यू आर, अब देखो बेटा यहां पे सेम इसी की तरह ये भी ट्राइंगल, ये एंगल मैंने कितने डिग्री का लिया, 90 डिग्री का। अब जब मैंने ये 90 डिग्री का लिया है, तो इसके सामने या इसके फ्रंट पे ये वाली साइड है, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। देखो बिल्कुल एज इट इज इसी तरह ये सेम रहा। हाइपोटेनियस का मतलब होता है ऐसी साइड जो राइट एंगल वाला एंगल है उसके सामने या 90 डिग्री वाले के सामने। अब बात होती है आपकी बेस और परपेंडिकुलर की, तो ये है मेरा एंगल थीटा, तो इसके एडजेसेंट साइड होगी, भाई दो ही बताई थी, जो एंगल हम ले रहे हैं उसके एक फ्रंट पे और एक उसके एडजेसेंट, तो एडजेसेंट साइड ये रही, तो इसको बोलेंगे हम बेस। और इसके सामने, अब देखो इसके सामने, यहां पे इसके सामने कौन सी थी, ये वाली थी, ऐसे ही इसके सामने एंगल के जस्ट एंगल यहां इसके सामने ये रही, तो ये वाली साइड क्या होगी, ठीक है बेटा। अब इन्हीं चीज से रिलेटेड अब हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए जाते हैं। अब वो रेशियोज कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको इस वाले ट्राइंगल में बताऊंगा। अब मैं हाइपोटेनियस को जनरली एस से डिनोट किया करूंगा, परपेंडिकुलर को पी से और इसको बी से। अब देखो बेटा 6 रेशियोज होते हैं आपके, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मैंने कितने रेशियोज लिखे हैं यहाँ पे, आपके 3 रेशियोज लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। 3 और होते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा।
अब यहाँ पे देखो बच्चों, तुम थोड़ा सा फोकस ये करोगे कि जनरली कुछ बच्चे ट्रिक से या वैसे याद करते हैं, पर मेरा मानना है कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा ये 6 रेशियोज को याद करने के लिए ज़्यादा ट्रिक व्रिक के चक्कर में पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। सिंपली एक बार में याद कर लेते हो, और इनको हम बोलते क्या हैं, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। अब साइन थीटा जनरली, यहाँ पे हमने एंगल को थीटा ले लिया है, तो क्या होगा? तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये रहा एंगल, तो इसके सामने वाली साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो, तो इस साइड को हम बोलेंगे पी अपॉन एच, ठीक है। और ट्राइंगल के हिसाब से साइड कौन सी हुई? तो ये साइड हुई बी सी और अपॉन में ए सी। सेम हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरा? तो बेस यहाँ पे है मेरा ए बी, अपॉन में कितना है? ए सी। दो हो गए। अब इसके बाद आता है तीसरा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी अपॉन एच। तो P मेरा हो गया BC और अपॉन में AC। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पे, साइन थीटा P अपॉन H, तो B अपॉन H, और रिमेनिंग P अपॉन, सॉरी ये गलत लिख गया है, P अपॉन B, और P अपॉन B का मतलब BC अपॉन AB। अब ध्यान देना है यहाँ पे, P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B, रिमेनिंग थ्री इनके रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए मैंने सामने इसी तरीके से लिखे हैं कि रिमेनिंग थ्री इनके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है? tan थीटा का, तो ये होगा B अपॉन P। अब देखो B अपॉन P, तो बेस ये हो गया मेरा, अब बेस क्या है? ए बी, और यहाँ पर ये रेसिप्रोकल था, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि उल्टा हुआ है, तो ये हो गया मेरा ए बी अपॉन बी सी। अब हम बात करते हैं sec थीटा की। किसकी बात करेंगे? sec थीटा। sec थीटा उल्टा होता है जनरली किसका? cos थीटा का। तो ये b अपॉन h था, तो ये आएगा मेरा h अपॉन b। अब हम बात करते हैं cosec थीटा की। cosec थीटा होता है h अपॉन p, ठीक है। अब इनके साइड्स लिखो, तो ac अपॉन, देखो हाइपोटेनियस हो गया ac, और बेस कितना था? ab, तो ac अपॉन ए बी। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। अब देखो बेटा, यहाँ पे इनसे कुछ रिलेशंस निकले आपस में, यहीं पे देखते ही क्लियर हो रहे हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा है साइन थीटा क्या था? पी अपॉन एच। कोसेक थीटा क्या था? एच अपॉन पी। तो जनरली हम इसकी जो बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये क्या है? रेसिप्रोकल है, है ना? और आपके हिसाब से भी रेसिप्रोकल ही रहेंगे जब मेरे हिसाब से। तो देखो ये बना मेरा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? किसका रेसिप्रोकल? कोसेक। तो वन अपॉन कोसेक थीटा क्या होगा? वन अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा। इन जनरली हम बात करते हैं अब इन दोनों की, तो सेम रेसिप्रोकल। देखो एक बार में आपको याद हो गया, साइन का मतलब वन अपॉन कोसेक, तो कोसेक का मतलब वन अपॉन साइन। जनरली यहां पे आए तो कॉस का मतलब वन अपॉन सेक, और यहां पे सेक का मतलब क्या होता है? सेक थीटा मतलब वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आगे हम बात कर रहे हैं टेन और कॉट की। देखो स्टार्टिंग का बेसिक था और इतना तुम अच्छे से जानते थे, दिक्कतें हमारी यहाँ से शुरू होती हैं, इसलिए इन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ये क्या है मेरा? टेन थीटा। ये क्या है? कॉट थीटा। तो जनरली ये भी एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। तो टेन थीटा का मतलब टेन थीटा, अब जैसे ही टेन थीटा निकालेंगे तो ये आएगा वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकलेगा वन अपॉन टेन थीटा। अब देखो कुछ रेशियो और मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट डाल के हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। साइन और कोस में आपस में डिवाइड देके देखिए,
तो मेरा यहाँ पे निकला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने ये डिवाइड दिया, और जैसे ही मैंने ये डिवाइड दिया तो पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, जैसे ही आप यहाँ पर रख रहे हैं पी अपॉन एच और दूसरा रख रहे हैं बी अपॉन एच, तो सारे बच्चे जानते हैं इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा पी अपॉन बी, और इसको ही बोलते हैं हम टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। दूसरा, अब देखो साइन अपॉन कॉस करके आपने देखा, तो इसी के हिसाब से कोई बच्चा सोचेगा सर अगर ये साइन अपॉन कॉस किया है तो एक कॉस अपॉन साइन भी करके देख लो, तो इसमें तो ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर इसका उल्टा साइन होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन टेन थीटा, और वन अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है कॉट थीटा, मतलब जस्ट हमने इधर भी रेसिप्रोकल किया तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये बात खासकर आप याद रखें, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है इनका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, थर्ड वाली। अब देखो बेटा इतना सब क्लियर होने के बाद अब हम आगे बात करते हैं पाइथागोरस वगैरह थ्योरम की। अब इसमें आप जनरली देखोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जनरली किसी में भी देख लो दो ही साइड यूज हो रही हैं, कितनी यूज हो रही हैं दो, तो हम तीसरी साइड के लिए क्या करते हैं, तो सारे बच्चे बचपन से पाइथागोरस पढ़ते आ रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर और जो इक्वल होता है दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब पहले हमें इनका स्क्वायर करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जनरली पाइथागोरस तो ये होती है, पर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बना तो एक को हम जनरली परपेंडिकुलर मान लेते हैं और एक को बेस मान लेते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें आप कोई भी दो साइड पुट कर दोगे, तीन है तो मान लोगे साइन है, तो पी और एच को जैसे ही हम पुट करेंगे तो पी यहाँ पे हो जाएगा एच यहाँ पे, बी कैलकुलेट कर लेंगे, तो पाइथागोरस सिर्फ इतना ही काम करती है कि आप कोई भी दो साइड लेके रिमेनिंग थर्ड साइड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमने कितना पढ़ा है, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात की, किसके बारे में बात की, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, मतलब इन अ ट्राइंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमने सबसे पहले पढ़ा हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, तो हाइपोटेनियस होता है कि जो एंगल 90 डिग्री का है, कौन सा है 90 डिग्री, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब एक एंगल आप इसमें ले लो, चाहे तो आप एंगल यहाँ पर सेलेक्ट करोगे या यहाँ पर, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो ये बेस हुआ और ये सामने परपेंडिकुलर, बाकी उसके बाद हमने ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नोट किए, और मैं अपनी इस वीडियोस में ओनली ट्रिग्नोमेट्री को आपकी न्यू बुक के एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है उसके न्यू एडिशन से ही करेंगे, और एक एक क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पर कराऊंगा, उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस किया करेंगे। देखिए अब आगे इससे, अभी हमने पाइथागोरस को क्या पढ़ा था, देखो बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी कि सर आपने पाइथागोरस ने बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थर्ड एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है थर्ड, पर जनरली मैं आपको यहाँ पर ये तीनों आइडेंटिटीज को प्रूफ करके अभी के अभी आपको यहीं पर समझा दूंगा। देखो आगे फिर मैंने अगेन फिर इसी को लिखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर थर्ड ही मैंने इसको ये लिखा, अब ये मत कहना कि सर ये तीनों एक जैसी हैं तो ऐसे क्यों लिखी जा रही हैं, क्योंकि हर एक बार जितना मैंने लिखा है उससे एक आइडेंटिटी प्रूफ होगी। तो देखिए इस पर फर्स्ट मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड दिया, किससे डिवाइड दिया एच स्क्वायर से, तो अब हर बच्चा जानता है जब हम दोनों साइड में डिवाइड दे रहे हैं तो सारे टर्म्स इसमें जितने भी ऑल टर्म्स हैं सब में सेपरेटली डिवाइड लगेगा, तो एच स्क्वायर का मैंने यहाँ पे दिया तो एच स्क्वायर इसके नीचे भी लिखा जाएगा और एच स्क्वायर यहाँ भी लिखा जाएगा,
सेम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो पहले उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, वन टाइम्स कैंसिल हुआ वन, और इसको मैं लिखूंगा पी अपॉन एच। दूसरा बी का स्क्वेयर एच का स्क्वेयर, तो ये लिख जाएगा बी अपॉन एच। अभी आपने सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रीड किए हैं या पढ़े हैं, तो उसमें जो पी अपॉन एच और बी अपॉन एच है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच मैंने क्या बताया था, साइन थीटा। क्या बताया था, साइन थीटा। तो जनरली पी अपॉन एच हो गया साइन थीटा, और ये इसके ऊपर हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। सेम बी अपॉन एच हो गया मेरा कॉस थीटा, और ये इसके ऊपर स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। और इसके नीचे एक बात नोट डाल के मैं रिमाइंड कराए दे रहा हूँ आपको, इस गलती को कभी मत करना कि कोई बच्चा ये कहे कि साइन और थीटा ये दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है कि साइन थीटा। आप सोचिए ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, एंगल और साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लाई ऑफ एंगल एंड साइन। तो बेटा यहाँ पे अगर हम कभी भी इसका स्क्वायर बना रहे हैं ऐसे करके, तो ये स्क्वायर हमेशा रेशियोज के ऊपर लिखा जाएगा। मतलब कहने का यह है कि ये दोनों एक ही बात है, पूरे के ऊपर स्क्वायर लिख लो या इसके, पर नेवर बी इक्वल टू। अगर किसी बच्चे ने स्क्वायर यहाँ से जैसे मैंने इसके ऊपर लिखा है तो ऐसे लिखना सही होगा, लेकिन अगर आप एंगल के ऊपर बना रहे तो वो गलत है। तो आपका काम क्या है, आप कभी भी इसको ये समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर हो सकता है, इसका हो सकता है, लेकिन एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। हाँ एंगल का हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो स्क्वायर बना है वो एंगल वाले स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत हो जाएगी आपकी। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड दिया, अब इसमें आप बी स्क्वायर से डिवाइड दे दीजिए, तीनों में एक एक साइड का डिवाइड देंगे, पहले एच लिया हमने फिर बी लिया फिर आगे हम पी लेंगे। तो एच अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन, और ये तो सब जानते हैं वन टाइम्स कटा इससे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने डिवाइड दिया, ये बचा और ये वन टाइम्स से कैंसिल आउट होगा। तो बेटा एच अपॉन बी अभी अभी आपने पढ़ा है हाइपोटेन्यूस अपॉन, तो ये क्या होता है सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ये होता है टेन थीटा का स्क्वायर, और ये होता है प्लस के वन। तो जनरली सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो आइडेंटिटी कितनी हो गई, दो आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब बेटा हम इसमें बात करते हैं, इसमें मैंने जो डिवाइड दिया है वो डिवाइड दिया है मैंने पी स्क्वायर से, क्योंकि एस से भी लग गया बी से भी लग गया, कौन बचा पी। तो यहां से ये क्या बचा, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। इसके बाद इससे कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, वन टाइम्स। तो जैसे ही वन टाइम्स कैंसिल आउट हुआ ये आया प्लस एच अपॉन पी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी अभी आपने पढ़ा है क्या, ये कोसेक थीटा, और इसके ऊपर भी क्या बन रहा है आपका स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है वन, और बी अपॉन पी इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जनरली दो तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, इन तीनों को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बोलते हैं इन तीनों को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तीन होती है। पहला, सबसे पहली बात और आपके लिए सबसे जरूरी बात है कि आप ये बात याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ओनली स्क्वायर में होती है। किसमें होती है, स्क्वायर में, मतलब उनकी पावर टू होना कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा कहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, दैट मीन्स कि वो बच्चा गलत हो गया इस जगह पे। किसमें होनी चाहिए, स्क्वायर में, ना तो पावर कम होगी ना पावर ज्यादा। कोई कहे थ्री में, नहीं भाई बिल्कुल स्क्वायर में होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल काम करती हैं। अगर आप इसको यूज़ करना सीख गए तो इसको सीख जाते, इसको सीख गए तो इसको। देखो इसमें क्या था, सेक, सेक का स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जनरली आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि वो इनके नेम पूछ लेते हैं, भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये डेरिवेटिव्स नेम है, मतलब छोटे नेम है, तो इनका पूरा नेम क्या था? तो भाई देखो साइन का मतलब होता है, होता तो साइन ही है पर इसमें एक ई लग जाता है आगे, ये आता है कॉस, और कॉस का मतलब होता है कोसाइन। क्या मतलब होता है कॉस का? कोसाइन। अब आता है टेन, इसको बोलते हैं टेंजेंट। अब आता है कोटेन, ठीक है, कोट का मतलब सीधा सीधा आप समझ जाओगे, तीन याद कर लो, तीन में सी ओ वर्ड लगा हुआ है। वैसे तो इस वर्ड का मतलब जनरली कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होता है, जो तुम्हें आगे वाली एक्सरसाइज में बताएंगे, पर यहाँ पे साइन, तो सी ओ का मतलब कोसाइन, टेन, टेन का मतलब टेंजेंट, तो कोट का मतलब कोटेंजेंट। अब आता है मेरा सेक, तो इसको बोलते हैं सेकेंड, और दूसरा आता है कोसेक, तो को सेकेंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके एलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। इन फॉर्मूलेस को सारे बच्चे लर्न रहे, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं, बिना इनके आप एलजेब्रिक आइडेंटिटी जो एनसीईआरटी के आपके न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग थर्ड एक्सरसाइज है उसे कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो देखो भाई कौन कौन से हैं, ये तो सबको याद होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन से रीड करते आ रहे हैं, टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी। यहाँ पे आता है फिर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे ज़्यादा यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले पे स्क्वायर दूसरे पे स्क्वायर, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। कुछ बच्चा इसको प्लस के लिए लगाया जाता है, वहाँ गलती होती है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेगा, यहाँ पे बीच में साइन माइनस का होता है, तो क्या होता है यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। जनरली हम उन्हीं फॉर्मूले की बात करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, एलजेब्रिक जितने यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। अब इसके बाद आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी से मैंने इसलिए लिखा दिया कि आप स्टार्टिंग तो एक्सरसाइज करके जाओगे तो एंड तक आपका आसानी से याद हो जाएगा थर्ड एक्सरसाइज तक। अब आता है माइनस वाला, प्लस वाला, भाई प्लस वाले में पहले ब्रैकेट में तो प्लस होता ही होता है, पर अंदर वाले में एक साइन माइनस का होता है, जो बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस का होता है और माइनस वाले में प्लस का होता है। तो ये आपका ये था, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन पहले मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, उसके बाद बाकी आप देखते जाएंगे एक्सरसाइज से। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और सारे बच्चे मैथ्स देखो बहुत आसान सब्जेक्ट है और टिपिकल भी है, आसान सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो मैथ्स को लिख के करते हैं, मतलब बाय मैथ्स को वो सॉल्व कर रहे हैं बाय राइटिंग, लर्न नहीं कर रहे हैं कि सीधे कॉपी सामने रख लियो आप लर्न कर रहे हो। तो जितना आप मैथ्स को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको प्रॉपरली पूरे नोट्स की तरह ही लिखवाऊँ, और आप भी प्रॉपरली इसी वे में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगा। तो देखो बेटा मान लो एग्जाम्पल के लिए इस पर आप फोकस करना कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख रहा हूँ कि मान लो इन अ ट्राइंगल, क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, कॉमा लगा के फिर मेंशन करेगा, पहले तो ट्राइंगल मेंशन करेगा नेम, और फिर मान लो उसने इसको मेंशन कर दिया कि एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब सारे बच्चे समझ गए कि भाई एक ट्राइंगल तो है लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें उसने आगे ट्रिग्नोमेट्री एंड टेन, टेन ले लो या कॉट ले लो, कॉट
क्यू। जनरली मैं अभी उन्हीं वैल्यूज को लूंगा जिनका हमें आसानी से ट्रिपलेट याद है। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पर इक्वस टू 4/3 और आपका उसने बोल दिया आगे कि फाइंड ये थीटा या क्यू लिख लेना बच्चों, सॉरी क्यू भी नहीं लिख सकते आप इसको, आप पी लिखो, फाइंड ऑल ठीक है, मतलब क्यू दे रहा था थीटा, मैंने इसलिए नहीं समझाया कि मोस्टली एनसीईआरटी में तो यही वर्ड लिख के आते हैं कि जो ट्राइंगल उनमें से किसी एक का नेम देगा। तो अब भाई सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे और उसने देर किसको रखा है, कॉर्ड पी को। देखो भाई, देखो मैं ना तो अपनी वीडियो को एडिटिंग रखता ना कुछ भी, जो भी होगा सीधा कंटेंट आपके पास और बिल्कुल मैं आपके सामने प्रॉपरली करने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद भी आपसे करूँगा कि आप भी इसी वे में करने की कोशिश कर पाएँ। तो देखो सबसे पहले हमने जो बनाया एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब सबको पता है कि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब जहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है उसी जगह पे आप जो मेंशन करोगे वो क्यू करोगे। क्यू को कहाँ पे मेंशन करोगे, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, इतना तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया पी और ये हो गया आर, ठीक है। पर एक बच्चे ने कही कि नहीं सर मैं यहाँ पी नहीं ले रहा, मैं यहाँ पी लूँगा ऊपर, तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी बात हो ही रही, पी क्यू आर और नीचे लेते तो पी क्यू आर। अब क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, कॉट पी 4/3, कॉट पी कितना दिया है 4/3। अब इस बात पर बेटा यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कॉट पी, और कॉट पी का मतलब होता है 20/परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सा होता है, बेस होती है एडजेसेंट साइड, तो ये रहा एंगल पी, इसके सामने होगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट में होगा बेस, तो ये होगा बेस और ये हो गया सामने परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, इसके हिसाब से तो जनरली बी कितना हो गया मेरा 4 और पी कितना हो गया 3। अब एक बार समझ नहीं आई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो रेशियोज हमेशा बड़े से बड़े नंबर की भी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है जिसका बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो कॉट ये आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ये कही कि ठीक है सर आपका ये आ जाएगा, तो मैं आपको एक ऐसा ट्राइंगल दे रहा हूँ कि जिसका बेस सेम है पी क्यू आर, उसने कहा सर बेस 8 है और ये 6 है, अब कॉट पी निकालो, तो ये हम लिखेंगे, हमने देखा भाई ये तो 8/6 आ रहा है तो ये भी 4/3 बना जनरली। तो इस बात में अब हम कैसे जस्टिफाई करें कि ये वाला था या ये वाला था, एक बच्चा और निकाल देगा। मान लो कि अभी तो किसी ने 2 का मल्टी कोई 3 का मल्टीप्लाई में लिख दे, कोई इसको 12 लिख दे और इसको 9 लिख दे, तो भी देख लो। अगर कोई ये कह दे कि भैया एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें बेस तो दे रहा है 12 का और परपेंडिकुलर दे रहा है 9 का, कॉट भी लिख के देखो, और जैसे ही आप लिखोगे 12/9 हो जाएगा, तो भी भाई 4/3। अब बात ये हो जाती है कि ये इसका है या इस वाले का है, किसका है हम नहीं कह सकते, इसमें कोई हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, बताओ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम इसको किसी एक मल्टीपल का फॉर्म दे देते हैं, मान लो कि भाई के का मल्टीपल है, अब के की जो तुम वैल्यू लोगे, किसी ने 1 ली तो ये निकला, 2 ली तो ये निकला, 3 ली तो ये, तो जैसे जैसे आप लेते जाओगे उसी फॉर्म में निकलते जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ, देखो इसलिए हम इसको किसी मल्टीपल की फॉर्म में लेते हैं। मान लो कि मल्टीपल की फॉर्म में मैंने इसमें x लिख दिया पीछे, अब किसी बच्चे ने कही सर x इक्वल टू 1 लोगे तो 4/3, x इक्वल टू 2 लोगे तो 8/6, x इक्वल टू 3 लिया तो देख लो, अगर x इक्वल टू क्या लिया 1 तो b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 लिया तो b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 6। तो इसी मल्टीपल में इनफाइनाइट ट्राइंगल बन जाएंगे और कॉट कैसा रहेगा उन सब के लिए सेम रहेगा। तो इस बात को देखते हुए बच्चों अब हमारे समझ आया कि हमने x क्यों लिया है, हम कह रहे हैं भाई तुम्हारा जो मन करे तुम उसके लिए ले लो, पर x यही रहेगा। तो यहां से बेटा
अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो साइड देगा, कितनी देगा, दो। कॉट में कितनी होती हैं, दो ही होती हैं भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स थर्ड साइड अभी रिमेनिंग है जिसको हमें फाइंड करना है। तो हम किसको फाइंड करेंगे, एच को। और एच का मतलब होता है एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये किससे निकाला है, पाइथागोरस से। और उम्मीद कर रहा हूँ पाइथागोरस सबको पता होगा, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब भाई देखो एच स्क्वेयर फोर, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखो मैं हर उस बच्चे को लेकर चल रहा हूँ जिसको पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं, मैं समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो हम एक एक बारीकी को लेते हुए चल रहे हैं। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, मैं इस बात को रिमाइंड करके कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोर उसे उसका एनवायरनमेंट तैयार कर देता है कि उस पर इतना फोकस नहीं दिया जा रहा। थोड़ी सी गलती बच्चे की भी होती है कि वो भी फोकस नहीं दे रहा है अपने ऊपर। तो इस बात को ध्यान से देखेंगे, गलती क्या करते हैं बच्चे, ये तो लिखेंगे एच स्क्वेयर आराम से। इसको बच्चा जल्दबाजी में फोर का तो स्क्वेयर कर देगा, एक्स को यही लिख देता है, और इसका भी स्क्वेयर कर देता है, इसको भी ये लिख देता है। तो ये इस तरह की गलती होती है। देखो भाई अब तुम्हें भी पता है कि स्क्वेयर लिखा हुआ है, एक्स तो मल्टीपल है ना, तो इसका भी तो स्क्वेयर होगा, तो यहाँ भी स्क्वेयर बनना चाहिए। और नो डाउट वो पीछे से ही लिख देता है, 25 लिखेगा, रूट लेगा उस समय लिख देता है। तो एच स्क्वेयर इक्वल्स टू मेरा क्या आया, 25 एक्स स्क्वेयर 1609। तो एच की वैल्यू मेरी है रूट में 25 एक्स स्क्वेयर। तो एच इक्वल्स टू आया मेरा 5x। जनरली हमारा ये हो गया एच की वैल्यू, मतलब हाइपोटेनियस इस वाली शेप में होगा। हाइपोटेनियस सारे बच्चे जानते हैं, द साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर, द साइड एक बार दोबारा देखें, परपेंडिकुलर द साइड इन फ्रंट ऑफ टेकिंग एंगल एंड बेस द साइड या द एडजेसेंट साइड ऑफ टेकिंग एंगल। तो जनरली एच ये हुआ मेरा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे। तो कॉट है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं कौन सा लिखूंगा, साइन। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ज़्यादा ट्रिक है उसके फॉर्मेट में ना लाएं, क्योंकि आप सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं, और मैं मैथ्स के स्टूडेंट से इतनी उम्मीद तो करता हूँ कि थोड़े से रेशियो तो वो डायरेक्टली याद कर ही सकते हैं। तो साइन पी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आता है इसके बाद कॉस पी, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आता है टेन पी, टेन पी होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब साइन का सबको होता है परपेंडिकुलर, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और टेन पी, पी अपॉन बी। इसके बाद आता है सेक पी, सेक पी कॉस का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और सेक के बाद आता है कोसेक पी, जनरली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एच अपॉन। अब उम्मीद करूंगा कि इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और बाकी तो देखो बेटा, मैंने अभी भी कहा है, पहले भी कहा है कि अगर जितना आप मैं इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपके समझ में आ गया, अब आप इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाला था, परपेंडिकुलर 3x, और ये हमारा निकल के आ गया हाइपोटेनियस। तो 3x अपॉन 5x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/5। बेस का मतलब 4x अपॉन 5x इक्वल्स टू 3, सॉरी एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 4 अपॉन 5। अब आता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे कितना था, 3x और 4x, x से x कटा, 3 अपॉन 4। अब बात करेंगे हम सेक पी, किसकी बात करेंगे, सेक। अब sec पी कितना है, h, तो ये था मेरा 5x, और बेस कितना था मेरा 3x, सॉरी बेस कितना था 4x, तो यहाँ पर रखते हैं हम 4x, x x कटा 5/4। और देख लो cos का उल्टा भी आ गया, और cos x sin का होता है, पर हम इसी से लिखेंगे 5x अपॉन। तो जनरली जब हमें रेशियो कैलकुलेट करने होंगे तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और मैं आपसे भी कहूँगा कि इसी फॉर्मेट में बिल्कुल फेयर एंड क्लीन लिखने की कोशिश करें। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। तो बेटा चैप्टर आपका NCERT के अकॉर्डिंग, मैं पेज नंबर और बुक का भी न्यू एडिशन लेके चल रहा हूँ भाई। मैं पेज नंबर अभी आपको बता दूंगा कौन से पेज के ये क्वेश्चंस थे जो मैं करा रहा हूँ।
और आप जितना बारीकी से लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ्स आपकी बेटर क्लियर होगी। तो देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 121। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा चैप्टर है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 और जो पेज नंबर एनसीईआरटी की न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, पुराने मत देखने लग जाना भाई, पुराने में और इसमें रिड्यूस सिलेबस का फर्क है और मैं अभी आपको सबसे पहले उसी सिलेबस को पढ़ाऊंगा जो न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग है। पहले हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 121 और इस पर क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या लिखा है कि भाई देखो, मैंने पेज नंबर लिख दिया है और ये, और सारे बच्चे इसको आराम से देख सकते हो, बुक सबके पास अवेलेबल होती है। तो उसने कहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, कौन सा ट्राइंगल है ABC, हमने बना दिया, ठीक है। ये उसमें उसने कहा है कि बी राइट एंगल है, भाई बी पे तो राइट एंगल ले लिया, ए बी कितना दे रहा है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दे रहा है 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है साइन ए और इसी में निकालना है कॉस ए, और दूसरा साइन सी और कॉस सी, ठीक है बेटा। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, मैं पूरा एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बोर्ड पे कराऊंगा और सारे बच्चे समझने की कोशिश करें। अब देखो सी, अगर कोई बच्चा कहे सर सी यहाँ रख दो, तो ये सी बी सी ए बी, अगर आप सी यहाँ रखोगे ये आ जाएगा, देखने में सबको दिख रहा है कि बी सी बड़ी है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो अब बी सी बड़ी दिख रही है, बी सी छोटी दिख रहा है, तो फिर बी सी को हम कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, जिससे हमारा डायग्राम थोड़ा क्वेश्चन के ज़्यादा सिमिलियर लगे। अब बी 90 डिग्री का था, हो गया ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर। अब इसमें के नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट साइड दी है। अब देखो भाई, इन्होंने एंगल ए भी दिया है, सी भी दिया है, तो अब हम जो पाइथागोरस लगा रहे हैं, हम सीधे सीधे पाइथागोरस लगाएंगे, ये वाली जो पाइथागोरस की एक्चुअल फॉर्म है बी स्क्वेयर, एच का मतलब होता है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ ए सी का स्क्वेयर, हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इक्वल्स टू, ए को थोड़ी देर के लिए मैंने बी सी ले लिया है, तो बी सी का स्क्वेयर प्लस ए बी का स्क्वेयर। अब बेटा ए सी फाइंड करना है ही नहीं हमारे पास, BC है कितना है 24 का स्क्वेयर, सॉरी BC 7 का स्क्वेयर है, प्लस AB कितने का है 24 का स्क्वेयर, तो 7 का स्क्वेयर 49, 24 का 576, और तो AC का स्क्वेयर जो निकल के आया मेरा वो कितना निकल के आया, AC का स्क्वेयर 625, तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट में 625 और ये होता है हमारा 25, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को देखते हुए साइन ए, साइन ए कितना होगा, अब देखो साइन ए तो एंगल कौन सा है ये रहा, और साइन ए होता है पी अपॉन एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सबको पता लग जाता है कि भैया 90 का ये रहा 90 के सामने हाइपोटेनियस होना ही होना है, तो बात आती है परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर इस वाली साइड के सामने होता है, इस एंगल के सामने की जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब बात इसी के सामने क्यों, क्वेश्चन ने बोला है साइन ए लेना है भाई, तो ए लेना है, तो ए लेना है, कॉस ए क्या होगा बी अपॉन एच, अब बी अपॉन एच होगा तो इसके हिसाब से एडजस्टेंट क्या होगा ये वाली, मतलब ये एडजस्टेंट है ये इन फ्रंट है, तो इन फ्रंट कितना हो गया 7 और अपॉन 25, और दूसरी बात इसकी बात करें बेस, तो 24 अपॉन 25। अब की और क्वेश्चन ने कहा देखो भाई, पहली बात छोड़ गए, इसी ट्राइंगल में हम अगेन कोशिश करते हैं, उसने कि अब एंगल ले बेटा सी, कौन सा लेना है सी, तो अब सी लेना है, तो परपेंडिकुलर की पोजीशन चेंज हुई, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल साइड इन फ्रंट ऑफ टेकिंग एंगल, तो आप ये एंगल ले रहे हो तो इसके सामने वाली, बात समझ गई, सी ले रहे हो तो सी के सामने की, ए लिया था तो ए के सामने की, तो सी के सामने कौन सी साइड है, सबको दिख रहा है भैया ये रहा सी, ये रही सी के सामने की, कितनी है 24, और साइन का मतलब पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं हम इसकी बी सी की, अब बी सी क्या हो गया सी के हिसाब से बेस, तो ये भाई बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच का मतलब हो गया 7 अपॉन 25, और ये मैंने आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर दिया। इसी तरीके से आप भी प्रॉपर वे में लिख के कोशिश करेंगे,
क्योंकि मैं अगर उर्ली कर ली तो सब समझ में आता है, लिखते हैं जब पता लगता है कि यार इसमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, डायग्राम गिवन है इसका, तो भाई बहुत अच्छी बात है अगर डायग्राम गिवन है तो। ये दे रहा है पी, ये दे रहा है क्यू, ये थोड़ा सा हमारा डायग्राम ऐसे बन गया, बिल्कुल बुक जैसा ही बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये होगा 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हाँ, किसी बच्चे को मतलब अगर ये डाउट आ रहा हो कि सर इनकी क्या यूनिट होंगी, तो भाई दिस इज अ रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है यूनिट लेस। आप रख लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती। आपका ये क्वेश्चन में दे रहा है, और क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि भाई टेन पी फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, टेन पी माइनस कॉट आर। अब देखो बेटा सेम पेज नंबर पे ये क्वेश्चन भी 121 पे, तो यहाँ पे बेटा टेन पी निकालना है और कॉट आर निकालना है, और इसमें क्या क्या आती हैं साइड्स, तो उन साइड्स के लिए इन दोनों में हाइपोटेनियस यूज नहीं होता है, या हाइपोटेनियस दे रहा है परपेंडिकुलर या बेस जो भी जिस एंगल से बनेगा वो है नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो मैं पाइथागोरस को इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी आर का स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस ये हो गई, ये इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो इक्वल्स टू किसका स्क्वायर किया हमने, पी के स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो भाई देखो पी आर का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू जी ना 12 का स्क्वायर, क्यू आर मुझे फाइंड करनी है सिंपल, इसका होता है 169। अब देखो इधर ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस जब इक्वल को क्रॉस करेगा तो कन्वर्ट इन माइनस, इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, क्यू आर इक्वल्स टू रूट में 25 इक्वल्स टू 5। जनरली हमने यहाँ तक फिनिश किया पूरा, अब इसके बाद जो आगे आएगा उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। तो ये मेरा कितना निकल के आ गया, क्यू आर, इक्वल का साइन मैंने इसलिए बना दिया कि ये हमने फाइंड किया और ये गिवन थी। अब भाई सबसे पहले टेन पी, तो टेन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस पे ध्यान दे रहा बेटा, एंगल पी ए रहा मेरा, तो पी के एडजेसेंट पी अपॉन बी, तो टेन पी पी ए रहा, इसके एडजेसेंट कौन सा होगा, बी अपॉन पी। तो भाई देखो एडजेसेंट 12 हो गया और फ्रंट पे 5 हो गया, तो अभी तो 5 का किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, दैट मींस 5 अपॉन 12। अब दूसरी बात करते हैं कॉट पी की बेटा, तो कॉट पी की हम बात कर रहे हैं, तो कॉट आर निकालना है, क्या निकालना है, कॉट आर, आर ही है, पी की तो जरूरत ही नहीं है, तो आर के हिसाब से बेटा अब इस जो बेस था वो परपेंडिकुलर में चेंज हो गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस में चेंज हो गया, और ये होता है बी अपॉन पी, और बी कितना है 5 और अपॉन कितना है 12। तो टेन पी और कॉट आर जनरली सेम ही है, तो मेरा क्या रिजल्ट निकला, टेन पी माइनस कॉट आर 5 अपॉन 12, और ये भी कितना है भैया 5 अपॉन 12। जब दोनों इक्वल चीज़ बराबर होती हैं या दोनों इक्वल चीज़ों को जब हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट होता है 0। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा भी आपका 0। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूँ। देखो बेटा मैं ऐसा भी नहीं कर रहा कि वीडियो को बार बार मिटा के या रोक के कुछ भी करके, सेम टू सेम जो आपके सामने करता जा रहा हूँ सेम उसी फॉर्मेट में आ रहा है, कहीं भी मैंने ऐसा ज़्यादा मिटा के वैसे नहीं, वो बिल्कुल फेयरली हो रहा है। इसी तरीके से आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसी वे में कर पाएँ। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन सेम अभी जो हमने किया था, इफ जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही लिखूंगा, साइन ये दे रहा है 3 अपॉन 4। ओके, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए, क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए और टेन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये लो भाई बन गया, अब ए टेकिंग एंगल है, हो सकता है कि उन्होंने यहाँ लिया बी और सी। अब देखो बेटा इसके हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस एच। अब जो भी उसने लिया उसके हिसाब से
एंगल ए ये रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, पी ए हो गया और बी ये। तो साइन ए का मतलब क्या है, पी अपॉन एच, साइन ए का मतलब मैंने आपको बताया था पी अपॉन एच है, और क्या है, थ्री अपॉन फोर। अब देखो इनमें साइड्स गिवन थी, क्या गिवन थी, साइड्स, तो हमने के का मल्टीपल नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली साइड गिवन है कि भाई ये 24 सेंटीमीटर की है, ये 7 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 13 सेंटीमीटर की है, तो के का मल्टीपल नहीं लेंगे, पर यहाँ पर गिवन क्या है, रेशियोज गिवन है, तो रेशियोज तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, वही सेम केस बना, तो इसका मतलब कि भाई जो परपेंडिकुलर लेंगे वो हम 3k लेंगे, क्या लेंगे, 3k, और जो h लेंगे वो क्या लेंगे, 4k। तो ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, क्या हो, अब भाई निकालना क्या है, बेस स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू इनको माइनस कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो जनरली देखना भाई 4k का स्क्वायर माइनस 3। देखो मैंने भी ब्रैकेट बना के लिखा है, कभी ये मत कर देना आप k के ऊपर लिख दो, तो ये 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से रूट हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो सामने वाले पे जाके क्या बनाएंगे, हम रूट बनाएंगे, तो जैसे ही हम रूट बनाएंगे तो बी इक्वल टू रूट में 7k स्क्वायर। अब बात आती है कि भाई देखो यहाँ पे के स्क्वायर का तो आराम से मिल सकता है, पर 7 का रूट या तो पॉइंट ऑफ में निकलेगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, तो हम इसको रूट 7 ही रखेंगे, ठीक है, रूट 7 और के, हमारा बेस मिल गया। अब मुझे क्या निकालना था, कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस ए का मतलब और टेन ए का मतलब, तो भाई देखो अभी अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले, कॉस ए ये रेशियो हुआ किसका है, बेस और हाइपोटेनियस का, किसका है, अब देखो इतना तो ध्यान हो गया होगा, एक तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन होता है, तो बेस हाइपोटेनियस कॉस, तो क्या हो गया, बी अपॉन एच, बी कितना था रूट 7k, और ये कितना था अपॉन में एच मेरा, तो एच हमारा यहाँ पे था 4k, क्या था 4k, के से के कैंसिल हुआ, तो रूट 7 अपॉन 4। अब बात करते हैं टेन ए की, तो टेन यहाँ पे जो था मेरा क्या था, 10 का मतलब होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से बेटा आप भी जानते हैं कि पी कितना है मेरा 3k, और बेस कितना है रूट 7k, तो ये हो गया 3 अपॉन रूट 7। देखो जनरली तो वैसे रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, रेशलाइज करते थे, पर ट्रिग्नोमेट्री में जनरली कभी नीचे ही मिल जाए ऊपर, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कर लें, अगर ये आंसर ऊपर दे रहा है तो आप भी रेशलाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट हो गए, देखो बेटा मैंने बड़ी बारीकी से बताया और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कराया है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन सेम पेज पर ही है एनसीईआरटी के न्यू एडिशन में, और 4 में कह रहा है कि 15 cot A, उसने कहा भाई 15 cot A इक्वल्स टू 8, कैलकुलेट साइन ए और सेक ए, आपको क्या निकालने हैं, ये तो दे रहा था, फाइंड मुझे जो करना है वो साइन ए और सेक ए, तो भाई देखना ज़रा सेम वही कंसेप्ट, दो साइड होंगी, और अब हमने एक बात पढ़ी थी कि सर ये अकेला होता था कॉट, साथ में कुछ नहीं होता था, तो इसका मतलब जो इधर होगा वो उधर जाके डिवाइड लग जाएगा, हो गया अकेला, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल क्रॉस करके सब जानते हैं माइनस प्लस में चेंज होता है, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो यहाँ से ये मेरा कॉट ए, अब कॉट ए के लिए मैं सबसे पहले ट्राइंगल बनाऊँ, ये लिया, यहाँ पे ए एंगल ले लिया मैंने, बी और सी यहाँ पे 90 डिग्री का, इसके सामने सब जानते हैं हाइपोटेनियस होगा। अब एक बात पर ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉट ए 8, अब ये होता है मेरा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
पर यहाँ भी क्या गिवन है, रेशियो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, रेशियो। तो दैट मीन्स दिस इज मल्टीपल ऑफ के और एक्स, जो आपका मन करे। तो बी इक्वल टू, अब की बार मैंने 8x ले लिया और पी इक्वल टू मैंने ले लिया 15x। तो देखो बेटा, एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है भाई। यहाँ तो ये दे रहा है, तो ए के सामने सीधा, तो ए के सामने ये वाली साइड हो जाएगी। तो ए के सामने देखो दे रही यहाँ पे, तो एच स्क्वेयर इक्वल टू 8 और 15, तो 15x का स्क्वेयर प्लस बी का मतलब 8x का स्क्वेयर। और ट्राइंगल पर भी मेंशन करो, तो कौन सी साइड हमने कौन सी ली है, तो बी मतलब ए, ए के एडजेसेंट फेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये हमने लिए 15x और ये लिए हमने 8x। समझा क्यों? क्योंकि एंगल हमने ए लिया था, तो ए के एडजेसेंट बेस होता है, इन फ्रंट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो एच स्क्वेयर इक्वल टू 15 का स्क्वेयर 225x स्क्वेयर प्लस 64x स्क्वेयर 289x स्क्वेयर। एच स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट में, अब यहाँ से क्या होगा, आप सारे बच्चे स्क्वेयर उठाओगे, तो स्क्वेयर उठाओगे तो अंडर रूट बनेगा 289x स्क्वेयर, दैट मीन 17x। मेरा x कितना आ गया 17x। क्या लिखना था, साइन ए, तो सेम क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच, और पी कितना है मेरा, ए के सामने, और यहाँ से भी लिख सकते हो, अगर कोई डायग्राम ना बनाए ना तो वो डायरेक्ट ऐसे कर दे तो भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया 15/17। दूसरा सैक है, सैक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस कितना है मेरा 17 और बेस कितना है 8, सॉरी 17x है बेटा, तो 17x अपॉन 8x, x x कैंसिल आउट हुआ 17/8। तो जनरली हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक फिनिश किया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी कंसेप्ट पे है, सेम टू सेम। अब क्या, उन्होंने कोई ट्राइंगल नहीं दिया आपको, और उन्होंने कह दिया कि भैया सेक थीटा दे रहे हैं आपको। तो जनरली सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल कराया था वो इसी टाइप का था, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मतलब जो आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा आपको गिवेन है, 6 होते हैं, एक गिवेन है, 5 निकालने हैं। अब इसमें एक बात सबसे पहले देखें, सबसे पहले क्या बनेगा, मेरा ट्राइंगल बनेगा, ये तो बन गया। अब इस ट्राइंगल में बेटा ये एंगल तो 90 का लेना ही लेना है, थीटा कोई भी ले लो, कितने का हुआ है 90 डिग्री का, थीटा हमने यहाँ ले लिया, ये मेरा हो गया बेस, तो मैंने इसका नाम रख दिया पी क्यू आर। अब बेस कितना हो गया मेरा, तो सेम रेशियोज है, साइड्स नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, रेशियो। तो ये होता है एच अपॉन बी, तो एच कितना लेंगे हम 13x और बी कितना लेंगे 12x। तो भाई देखो 90 13x 12x ये फाइंड करो भाई। तो सेम एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर पुट करो, किस किस की वैल्यू आपके पास। तो सेम कंसेप्ट चल रहा था कि भाई दो दे रहा है, ट्राइंगल बनाओ तो लेको, तो तीसरी ट्राइंगल की साइड बची होगी लगाओ पाता करो, थर्ड साइड निकालो और रेशियो उसमें पुट करो। तो यहाँ पे हमारा एच स्क्वेयर 13x का पी का मतलब, अब किसका पी, तो पी हमें निकालना है, तो पी तो रख नहीं सकते, किसको रखेंगे फिर, बेस को, और बेस कितना है 12x का स्क्वेयर। तो ये होता है 169x स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 144x स्क्वेयर। इसको इधर माइनस कर देंगे, तो पी स्क्वेयर इधर प्लस था, तो इधर क्या हो गया, देखो मैं बारीक से बारीक चीज़ भी लिख के दिखा रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप भी लिख के ही कोशिश करें, नहीं मैं डायरेक्ट कह दूँ ये इधर होगा, ये इधर आ गया, डायरेक्ट लिख देता 25, नहीं मैंने एक एक स्टेप राइट किया है, क्योंकि बोर्ड में आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। पी पैसे स्क्वेयर उठा, सामने रूट बना, और भाई जनरली हम ये सारी साइड्स ले रहे होते हैं, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं बनाते, ओनली प्लस की ही लेनी है। अब आ जाओ इन पे भाई,
ठीक है, ये क्यों लेनी है, क्योंकि इन पर प्लस माइनस लेने वाले या साइड होती हैं। अब ये रेड से सीधे सीधे लिख दो, साइन का मतलब पी अपॉन एच, तो पी कितना था भाई, हमारा निकला था पी 5x, क्योंकि एंगल परपेंडिकुलर, दैट मीन्स द साइड इन फ्रंट ऑफ टेकिंग एंगल। तो यहाँ पे इसके सामने की साइड ये 5x थी, तो यहाँ से हमने 5x को लिखा 13x बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच कितना हो गया मेरा, देखो cos थीटा ऑन द बी अपॉन एच, और बेस कितना था मेरा यहाँ पे 12x, तो ये 12x अपॉन सीधे सीधे कितना हो गया 12x अपॉन 13x, तो ये 12 अपॉन 13। अब तो आप सारे लिख सकते हैं थीटा पी अपॉन बी, पी आपने कैलकुलेट किया है 5x, और ये कितना था 12x, तो मतलब 5 अपॉन 12, देख लो 5x निकला था, 12 गिवन था, कॉट बी अपॉन पी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12x अपॉन 5x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखेंगे बी अपॉन पी, अब कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस मेरा 13x था, ये मेरा 5x था, और ये x x कट के आ गया मेरा 13 अपॉन 5 आंसर भाई। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कराए थे, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी बेटा फिर देखते आएंगे।